बेशक तुम्हें नहीं बोला, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग हमारे सारे काम है जो वो भी हो चुके हैं और हमें नाश्ता था कर लिया। नाश्ता करने के बाद जो मैं रूम पे आई हूँ, सो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर क्योंकि मुझे अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है और उसमें फ़ोटो भी चेंज करवानी है और हस्बैंड का नाम भी लिखवाना है, तो बहुत कुछ करना है। तो इसलिए जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, मैं और पापा। पापा आज घर ही में है तो पापा को भी कराना है, पापा को एड्रेस चेंज करना था, सो इसलिए अभी हम जा रहे हैं। सो मेरे हस्बैंड तो हो गए रेडी और मैं भी होती हूँ, मैंने कपड़े निकाल लिए और हमारे मुन्नू अभी उठी है। मुन्नू यहाँ देखो, गुड मॉर्निंग बोलो। आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों की गुड मॉर्निंग हो रही है बहुत लेट। सो हम भी होते फटाफट से रेडी, फिर 10 बजे हमें निकलना है। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, सो अब चलते हैं। चलो चलो चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मन नहीं कर रहा जाने का, बट काम है तो जाना पड़ेगा। लाइट थोड़े बहुत अभी और रहने धूप में। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। सो पहले पापा करा रहे हैं, उसके बाद मैं कराऊंगी। सो फटाफट से काम कराते हैं फिर चलते हैं घर को। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, हम लोग का काम हो गया है और ये हमारा मेरिज सर्टिफिकेट है, इसमें लेमिनेशन कराना था वो करा दिया है। चाचा चले गए ड्यूटी, चाचा नीचे बैठे आ रहे। हम तो ऐसे काम से गए थे ना, हम घूमने तो ना गए थे। अगर ना घूमने घूमने करने जाते तो हम आपको लेके जाते हैं, हम लोग तो काम से गए थे है ना। अच्छा दीदी बोलती तुम घूमने गए हो? हाँ। तुमको उल्लू बना रही होगी दीदी। अच्छा हाँ, रोज उल्लू तो नहीं बना, फिर उल्लू तो नहीं बने आप। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं छत में थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करने के लिए, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। चलो 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 चलो, अच्छा ही हो रहा है मौसम दादा। सो गाइस अभी मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि ना मुझे कैल्शियम और विटामिन की दवाइयाँ मेरी ख़त्म होने वाली थी जो प्रेगनेंसी में खाते हैं, सो मैं वो लेने आई थी। सो और मुझे थोड़े बहुत फल फ्रूट भी है जो ख़रीदने थे, फिर मेरे हस्बैंड आज शाम को जाने वाले हैं तो मैंने कहा इसलिए उनके साथ अभी लेके आती हूँ। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, हम लोग आ गए फिर। सो इसलिए मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया तो इसलिए हम लोग पिज़्ज़ा खाने आ गए। फिर शाम को मेरे हस्बैंड की ट्रेन है 6:30 बजे की, तो वो जाने वाले हैं। सो फटाफट से पिज़्ज़ा खाते हैं, सामान वामान लेते हैं, फिर चलते हैं घर को। चलते हैं अब, खाना खाने के टाइम में हमने पिज्ज़ा खा दिया है बट कोई बात नहीं, आज खाते के बाद पेट निकल जाता है बाबू। थोड़ा सा कुछ खाऊंगी ना एकदम से पेट ज़्यादा बाहर निकल जाता है। सो चलते हैं फटाफट से।
सो हम लोग घर आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत फल फ्रूट लिए मैंने, अनार और सेब, और ये मेरी है दवाइयाँ। सो मुझे खानी है, सुबह शाम मैं खाती हूँ दो टाइम पे। सो गाइस हम लोग आ गए घर और बारिश आ गई जी, फटाफटा फटा है। सो मैं फटाफट से मैं पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो गाइस मेरे हस्बैंड आज जाने वाले हैं, सो उनकी पैकिंग कर देती हूँ फटाफट से। जी गाइस मैं जाने वाला हूँ आज, तो मेरी पैकिंग होने वाली है आज। बहुत चार पाँच दिन निकल गए, पता नहीं चला। ऐसे पैकिंग करेंगे जिसे पता नहीं चला कि कैसे पैकिंग करेंगे। पर मैंने इनके कपड़े निकाल दिए हैं और जो कॉपी किताबें इनको पढ़ाई करनी है, और तो ये लेके जा रहे हैं। तो निकाल, यहाँ पर देखिए हमारे मुन्नू ने नहा लिया है, इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है। हाँ मुन्नू ने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी है। ये ड्रेस कौन लेके आया था मुन्नू? उनके बर्थडे में लाए थे चाचा। रुद्र आ गया है, तुम जादू बना दे रहे हो। बोल जो जादू नहीं बनता, जादू वैसे कैप बन के कर रहा है रुद्र। फिर रात को आ जा। तो पंकू के चाचा जाने वाले हैं, पैकिंग कर रही ना उनकी। सो ये कह रहा है कि मुझे भी जाना है, तो देखो ये अपनी पैकिंग, मैं ही पैकिंग करता हूँ। मेरी पैकिंग तो दावो कर ली है। आपकी पैकिंग ना मम्मा करेगी। मम्मा ने रखे ना कपड़े आपके। मम्मा से बोल, मम्मा से। मम्मा करेगी बेटा आपकी पैकिंग तो। चाचा से बोल पैकिंग। सो गाइस मैंने सावर ले लिया है, मैंने सोचा दो बार नहा लिया है। एक बार जब मार्केट गए थे हम लोग वही आधार कार्ड अपडेट कराने के, तब भी नहा के गई थी, अभी भी नहा लिया है मैंने। सो बाद थोड़े बहुत मेरे भीग गए थे, मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। सो चलते हैं नीचे, मैं तो पिज्ज़ा खा के, मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है, लेकिन घर वालों को पता नहीं है। खैर सो खाना खाते हैं, चलते हैं नीचे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की भी पैकिंग है जो कर दी है, और वहाँ पर उनके जूते रखे हैं। सो यहाँ पर हम लोग का खाना बन चुका है। ये है चिकन, इसमें है चावल, हमें प्याज सैलेड सब कट कर दिया है। तो गाइस खाना हम लोग ने खा लिया है और आ गए हम ऊपर, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेटे हैं। अब हम करते हैं थोड़ा बहुत आराम, फिर मेरे हस्बैंड को जाना भी है। 6:30 की ट्रेन है। कितने दिन निकलोगे? 5 बजे। इतनी जल्दी? सो 5 बजे मेरे हस्बैंड निकल जाएंगे। सो थोड़ी देर आराम कर लें। मतलब चाचा है देखो, चाचा है। हाय करते। हेलो हेलो गाइस, करना है छे। है खूबसूरत आप। तो यहाँ पर हम लोग की चाय बन रही है। यहाँ पर दूध भी आ गया है, वहाँ पर हमने अंडे रखे हैं बॉईल करने। सो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं, मेरे हस्बैंड जाने वाले, तो उनके लिए मुझे टिफ़िन पैक करना है। सो आलू की गुटकी और रोटी बना दूँगी, और यहाँ पर अंडे थोड़े खा के जाएंगे, तो मैंने अंडे बॉईल करने रख दिए। कहाँ गए बाबू, नहाने लग गए क्या? ओफो। सो गाइस यहाँ पर मेरे हस्बैंड है, मैंने आलू गुटके बनाए थे, सो उनको पसंद है तो थोड़ा खा रहे हैं। सो अभी टिफ़िन पैक नहीं किया है मैंने आपका, रोटी बनानी है, सब्जी तो बन गई है, इसके बाद नहा लेना ठीक। सो गाइस मेरे हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और उनकी पैकिंग सैकिंग सब हो गई है। 5 बज गया है, 5:30 बजे उन्हें निकलना है। सो मैं जाती हूँ नीचे, रोटियाँ बना देती हूँ, टिफ़िन पैक कर देती हूँ उनका। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश हो रही थी बाहर, उमस होने लग गई है, बहुत गर्म हो रहा है। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, दादा छोड़ने जा रहे हैं उनको। सो उनकी ट्रेन है 6 बजे की। सो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, देखिए अब वो जाने भी लग गए हैं। सो गाइस मुझे और दीदी को ना थ्रेडिंग बनानी थी, हम लोग की आ गई थी बहुत ज़्यादा, मेरी तो कम, दीदी के बहुत ज़्यादा आ गई थी। सो हम लोग के घर के सामने पार्लर हैं, सो हम लोग वहीं पर ही आए हैं। सो दीदी बना रही है, उसके बाद मैं बनाती। सो गाइस हमने थ्रेडिंग बना दी है, जस्ट बगल में पार्लर है, और देखो यहाँ पर मेरा घर सामने में। तो हम आए वहाँ से थे, अब जाए यहाँ से रहे हैं। बहुत दर्द होता है थ्रेडिंग मारने में।
ये तो चाचा ने पहना था, आपने पहन लिया, चाचा आपको देखिए गए स्माइली। सो बच्चे आए थे, बच्चे दरवाजे में मारे, मुझे कि दीदी आइए करके, दरवाजा मैं बंद कर देती हूँ, अब सोने का टाइम हो गया, 10 बज गया है। सो मेरे हस्बैंड भी चले गए, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही, रूम पे आता ना मतलब होता है वही होते हैं, सो लेटे रहते हैं, कहीं बात करते हैं तो टाइम का पता ऐसे ही चलता है। 4-5 दिन की छुट्टी आई, कब 5 दिन निकल गए ना पता ही नहीं चला। सो अब आएंगे वो पापा के रिटायरमेंट में आने वाले हैं, सो तभी मिलेंगे अब वो। सो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ अपने लिए दूध, सो रात को मैं दूध पीती हूँ बोमड़ा डाल के, और दवाई भी खानी है मुझे विटामिन की, सो दूध के साथ ही मैं दवाई खा लूँगी। सो आज का लोग मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।